देखिए, तो जो सवाल आपने पूछा बेटा वो है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन। बेटा रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअली बेटा इसको रिप्रेजेंट करने में पूरा का पूरा जो कमाल है वो पाइथागोरस थ्योरम का है और कुछ भी नहीं है। मतलब आपको रूट फाइव को ऐसे लिखना है कि ये एक परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में दिखे। तो देखो रूट फाइव को क्या लिखा जा सकता है, क्या रूट फाइव को आप 4+1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ। रूट फाइव को आप 4+1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर और 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। बोलिए बेटा यस और नो। यस सर। ओके, अब देखिए इस चीज़ को समझिए। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड अगर हाई बेस है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हाइपोटेनस है, तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बनती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो एग्री कि नॉट एग्री। एग्री एग्री, ठीक है। तो मतलब यही समझो कि जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो फिलहाल हमारा हाइपोटेनस क्या है, रूट फाइव है। तो रूट फाइव बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें बेस लेना पड़ेगा 2 और परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा 1। तो ग्राफ पेपर उठाओ और ग्राफ पेपर में एक एक्सेस एक्सेस बनाओ और एक वाई एक्सेस बनाओ, ठीक है। तो एक्स एक्सेस में 2 यूनिट लेंथ ले लो बेटा, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट लेंथ क्या बन गई, ये बेस बन गई। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर स्केल रख के वाई एक्सेस में 1 यूनिट की लेंथ ले लो बेटा, तो ये बन गया आपके पास 1, ये बन गया आपके पास 1। ओके, तो एक बन गया आपका परपेंडिकुलर, एक बन गया आपका बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस बन जाने के बाद बेटा क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो। अब आपको पता है कि ये क्या होगा भाई, ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का निकलेगा, ये रूट फाइव निकलेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रूट फाइव। बट ये जो डिस्टेंस हमारी आई है वो अभी हवा में है। यहाँ ओ पॉइंट ले लो, यहाँ पी पॉइंट ले लो, तो ओ से लेकर के पी तक की लेंथ को मेज़र कर लो। और इस लेंथ को आपको कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, इस लाइन पे, क्योंकि आपको जो रिप्रेजेंट करना है वो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करो, अपना कंपास निकालो, कंपास में यहाँ पर कंपास का पॉइंटर रखो नेडल, और यहाँ पर पी फॉर पेंसिल, और जितनी लेंथ है उतने का आर्क काट के गिरा दो किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो मतलब हो क्या रहा है कि इतनी लेंथ पहले हवा में थी, अब इतनी ही लेंथ आप यहाँ गिरा दिए। दूसरा तरीका ये कि स्केल से नाप लो यहाँ से यहाँ तक, और उतनी लेंथ को यहाँ से यहाँ तक स्केल में नाप लो। बट इतनी मेहनत कौन करे, सबसे बढ़िया यही है कि इसको कंपास में भरो और इसको भर करके यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दो। तो यहाँ जैसे ही तुम प्रोजेक्ट करोगे तो ये जो पॉइंट होगा ना बेटा, आपको पता है ना ये लेंथ इसके इक्वल होगी, तो ये जो पॉइंट निकलेगा इसको कैसे मार्क करोगे, रूट फाइव। समझ में आया अब? यस। तो ये जो डिस्टेंस बन गई बेटा यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, रूट फाइव। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो एनी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो ये इस तरीके से करते हैं। अब आइए वापस दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ बेटा, तो रूट थ्री क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्पायरल एक्टिविटी है, मैंने बताया था 1 के ऊपर परपेंडिकुलर रूट टू बन जाएगा, फिर ये रूट टू बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो रूट टू का स्क्वायर बन जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, तो रूट टू प्लस 1 यानी 3 बन जाएगा, तो ये रूट 3 बन जाएगा, फिर रूट 3 का स्क्वायर 3+1, तो ये रूट 4 निकलेगा। ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो रूट 5 निकलेगा। तो इस तरीके से एक अनलिमिटेड, ये स्पायरल कभी ख़त्म नहीं होगा, एक अनलिमिटेड स्पायरल बनता जाएगा। और ये क्लासरूम एक्टिविटी है, डू एज डायरेक्टेड लिखा हुआ है कि मतलब जैसा सर बता रहे हैं आपके, जैसा जैसा किया हुआ है वैसे करते जाओ। तो ये स्पायरल मेथड है, इससे आप स्पायरल मेथड नहीं कहेंगे, इसको एक्टिविटी कहो बच्चों। ये एक एक्टिविटी है, मतलब हमारा एक देखने को मिलता है कि एक स्पायरल बनता है। चलो तो मैं समझूं ये एक्सरसाइज फिनिश बच्चों, 1.2 कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नहीं है। वेरी गुड बच्चों, चलिए ठीक है। तो अब जल्दी से 1.3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1.3 के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं कि 1.3 में क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। 1.3 आ जाओ भाई। चलिए 1.3 आ गए, तो आई थिंक इसमें मैग्नीफिकेशन मेथड। चलिए भाई बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एंड सी काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं,
एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है रिपीटिंग। आइए तो क्या सिखा रहे हैं, नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डालो बच्चों, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है तो बहुत सामान्य सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इसको हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा लगता है कि नई चीज़ है। चलिए जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा 1/4, तो 1/4 क्या आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.25। अगर आपने कभी डिवाइड किया है तो ये कितना आता है, 0.25। मे बी आप इसको डिवाइड ऐसे भी करते होगे, यहाँ लिखते होगे 1, यहाँ लिखते होगे 4, डिवीज़न नहीं गया तो आ गया 0। ओके, और डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगाया तो कितना आएगा नीचे, 0 × 1 आया, फिर एक डेसिमल है तो 0 दे दो, 9, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 2, एक और 0 आ गया, 5 आ गया, तो 20 कट गया। तो आपने कह दिया कि सर इसकी एक्सपेंशन 0.25 है। तो देखो बच्चों, ये डेसिमल एक्सपेंशन में 0.25 के आगे नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पहली एक्सपेंशन टाइप की, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक गया, और रुक गया को मैं बोलता हूँ जो थम गया, ये थम गया है ना, तो थम गया। तो पहली डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है बच्चों, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन किसकी बनेगी बच्चों, हमेशा रेशनल नंबर की, पी बाई क्यू की, है ना। तो पी बाई क्यू की एक्सपेंशन एक है टर्मिनेटिंग। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, जो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो होगी मगर क्या होगी, रिपीटिंग होगी, रिपीटिंग। हाँ, तो रेशनल नंबर दो ही रूप में आपके सामने आएगा, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा, दूसरा रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। अब आपको यदि रिपीटिंग फॉर्म में देखना है तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10/3 या 1/3, 10/3 देख लो, मज़ा आएगा, 10/3 में आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी जल्दी आएगा। आइए देखते हैं 10/3 है ना, तो एग्जांपल मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे। चलो भैया ये ले लो 10, अंदर है 10, 3 से डिवाइड करो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ओके, 3 × 3 = 9 आ गया। यहाँ पे, यहाँ पे कितना बचा, 1, डेसिमल लगाइए, 0 लगाइए, 3 × 3 = 9, फिर कितना आया, 1, डेसिमल लगाई हुआ है 0 आता जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर कितना आया, 1, फिर डेसिमल लगा है तो 0 आएगा डेसिमल की कृपा से, फिर 3 × 3 = 9। तो आपको समझ में आ रहा है, ये कहीं भी ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। दिस मीन्स यू हैव गॉट 0.3.333333333। जब कोई चीज़ आए बार बार तो हम लगाते हैं बार, सो योर आंसर बिकम 3.3 का बार। ओके, 3.3 का बार। तो यहाँ पर आपके पास जो, देखिए जो एक्सपेंशन बन रही है डेसिमल की, वो क्या टर्मिनेट हो रही है, क्या वो ख़त्म हो रही है? नहीं, वो टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, मगर ये देखो सारे के सारे जम गए हैं, वो थम गए थे और ये जम गए हैं, है ना। तो जो जम जाएं और जो थम जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, पी अपॉन क्यू, मतलब कि रेशनल। कल मैंने यही बताया था कि रेशनल का मतलब जो या तो जम जाएं, जो या तो थम जाएं। तो बच्चों ये हमारे पास है रेशनल 3.33333, इसे हम लिखेंगे 3.3 बार। तो इस तरीके से हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के हुए, एक हुआ टर्मिनेटिंग, एक हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या हम सॉल्व करके ही पता कर पाएंगे, डिवीज़न करके ही, कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिना सॉल्व करे बहुत कम मेहनत में ही पता कर सकते हो कि जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। वेरी सिंपल। तो आपके पास क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आया है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो आप उसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर मतलब क्यू को देखो, इसको जी भर के देखो, और ये देखो कि का क्या जो क्यू है, क्यू के फैक्टर मतलब क्यू के टुकड़े, क्यू के टुकड़े, क्यू क्या क्यू के जो फैक्टर हैं, क्यू के जो फैक्टर हैं
ओनली टू में आ रहे हैं, ओनली फाइव में आ रहे हैं, या टू और फाइव में आ रहे हैं? ओनली टू एंड फाइव। अगर फैक्टर केवल टू में है, केवल फाइव में है, या टू और फाइव दोनों हैं, इन तीन केसेस में बेटा ये जो आपका होगा डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और एग्जांपल देखते हैं, अभी आपने मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, वन बाई फोर, तो फोर को पकड़ो और ले चलो इसको फैक्टराइजेशन करने। तो यहाँ लिखा फोर, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, तो फोर को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू। तो फोर के फैक्टर देखो, ये वाला टू, ये वाला टू, मतलब फोर के फैक्टर केवल दो हैं, मतलब दो की पावर दो, मतलब फोर को क्या लिख सकते हो, टू की पावर टू। पहली कैटेगरी में आ गया, अकेला टू है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये कैसा होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसके फैक्टर केवल टू आए हैं। तो सर ये टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके फैक्टर अकेले टू हैं। इसके फैक्टर अकेले पाँच होंगे, वो भी टर्मिनेटिंग होगा। जिसके फैक्टर टू और पाँच दोनों हैं, वो भी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप के फैक्टर्स हमको मिलेंगे। ओनली टू फैक्टर है, ओनली फाइव फैक्टर है, और टू और फाइव दोनों फैक्टर हैं, तो वो हमें टर्मिनेटिंग फैक्टर मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? इसके अलावा कोई और से फैक्टर आएंगे तो क्या होगा? इसके अलावा कोई और से फैक्टर आएंगे तो क्या होगा? क्या बोल रहे बेटा? इसके अलावा सर मैं ये बोल रही हूँ कि टू टू और फाइव के अलावा कोई और से फैक्टर आएंगे तो क्या होगा? तो रिपीटिंग होगा। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने यहाँ पे कि सर अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन के बाद हमें पर केवल अगर फैक्टराइजेशन के बाद केवल बच्चों आपको साथ में डिनोमिनेटर में अकेला टू ना मिले, गुड इवनिंग बेटा, टू और फाइव के साथ कुछ अदर मिल जाए, तो बेटा 100% वो रिपीटिंग होगा, 101% रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। और अब आप मुझसे जानना चाहेंगे कि सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या डेसिमल मल्टीप्लाई करके? नो, बहुत कम मेहनत में आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं कैसे। चलिए देखिए, इसको मैं थोड़ा स्लाइड को ऑफ करता हूँ, मैं आपको पीपीटी मोड में पढ़ाता हूँ जिससे मैं आपको ये भेज भी दूंगा। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए बेटा आपके पास मैंने अभी दी आपको 1/4, तो 1/4 है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लो। तो आपने क्या देखा बेटा, 1/2 × 2। अब देखो यहाँ पे कितने दो हैं बेटा, दो दो हैं, तो जितने जोड़ी दो के हैं उतने जोड़ी पाँच का मल्टीप्लाई करो। तो पाँच दो पाँच नीचे, और मैथ्स के रूल को फॉलो करने के लिए दो पाँच ऊपर, क्योंकि मैथ्स कहती है हिसाब किताब बराबर। तो जितना न्यूमरेटर को दिया उतना डिनोमिनेटर को दिया। इसका फ़ायदा क्या है, ऊपर तो 5 × 5 = 25 हो गया, और नीचे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, दो पेयर बन गए, तो इतना कितना आ गया, 25/100। अब क्या करो, कैंसिल करोगे? अरे कैंसिल करोगे तो वहीं पर पहुंच जाओगे, हमारा काम कैंसिल करना नहीं है, हमारा काम है डेसिमल फॉर्म में लिखना। तो कितने जीरो आ गए, दो जीरो, तो दो जीरो काउंट करके डेसिमल लगा दो, टू है, फाइव है, डेसिमल लिख दिया, दिखाई दे इसलिए 0.25। तो मन में बात रखना क्या करना है, नीचे फैक्टर बनाओ और 10-10 के जोड़े बनाओ। अगर टू मिले तो पाँच का मल्टीप्लाई करो, अगर पाँच मिले तो टू का मल्टीप्लाई करो। समझ में आया बच्चों? सर तो जैसे अगर मतलब 5 या फिर 2 का मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, तभी तो 10 बनेगा बेटा। अगर नीचे 2 आया तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 5 का, और नीचे अगर 5 आया तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का। बट याद रखना, अगर नीचे एक 5 का किया तो ऊपर भी एक 5 का करना पड़ेगा, अगर नीचे 2 का किया तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा। जिससे कोई पूछे आपने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, क्योंकि 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो आपका मैथ्स का कोई रूल ख़राब नहीं होगा। समझ गए सर? हाँ बेटा। जैसे अपन ने किसी डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किया है, उसके बाद इवन नंबर ऑफ 2 या फिर 5 नहीं आ रहे, जैसे 3 2 हैं और 2 5 हैं, कोई दिक्कत तो सर नहीं दिक्कत है।
बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने अपने पास तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो कैसे, जैसे आपने कहा कि सर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इवन नंबर नहीं आ रहे हैं, तो देखो कैसे करेंगे अपन। तो जैसे आपने कहा हमसे कि सर ऊपर तो खैर कुछ भी बना रहे, ऊपर तो मान लो एक्स है, कुछ भी है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं मुझे। जैसे आपने कहा सर नीचे आ रहे हैं 3 2 और 2 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा 1 2 की तो ऑलरेडी रब ने बना दी जोड़ी, इसकी भी रब ने बना दी जोड़ी, हमें किसकी तलाश करनी है इस 2 के लिए, तो 5 का ऊपर और 5 का नीचे, नीचे क्लियर हो गया। तो अब इसकी हमने बना दी जोड़ी, तो नीचे कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो कितने डेसिमल डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, 3 डिजिट। कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट। 3 डिजिट। तो बस 3 डिजिट के बाद लगा दीजिएगा, है ना। तो ऊपर मान लो बन रहा था, 25, तो आंसर सॉल्व करने पे कितने आ जाएगा, 0.025 फाइव, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके, देख लेते हैं, बड़े आसान आसान। आप लोग बुक ओपन करके रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे, अपने पास क्वेश्चन क्या है। पहला है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म शेप, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। अरे भैया नीचे 100 है, 100 का फैक्टर कर लो, 36/100 है ना। तो चलो करते हैं, 36 है अपॉन में 100 है, 100 का फैक्टर, ये डंडा बनाया, फैक्टर 250, 225, 5 का 5, 5 का 1। अरे ये तो बहुत आसान निकला भाई, 36 है नीचे, और ये तो इतनी भी करने की ज़रूरत नहीं, तो ऑलरेडी 100 है, मैंने इस ये भी क्यों किया, डायरेक्टली आएगा ना बेटा 0.36, वो तो है ना। तो वैसे भाई देख, सर हाँ तो वैसे देखना हो तो देख लो, केवल 2 के और 5 के फैक्टर हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेट करने के लिए कितना आ गया, 0.36। तो पहला वाला बन गया 0.36। अगला वाला देखो, 1/11 है, 11 का फैक्टर क्या होता है, 11 का 1 से ही जाएगा, 11 से जाएगा 1 टाइम्स, तो 11 इक्वल टू 11 इंटू 1। क्या 2 है, नहीं है, क्या 5 है, नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीटिंग होगा, क्या होगा बच्चों, ये रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है ना। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला देख लो रिपीटिंग है, कैसे आ रहा है, 0.09 09 09। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 1/11 को क्या लिखेंगे, 0.09 09 09, डा, जो आए बार बार उसके ऊपर लगाओ बार, तो ये बन गया 0.09 का बार, बन गया, समझ में आ सर गया। हाँ बेटा, सर आपने 1.3 की पीडीएफ नहीं भेजी। 1.3 की, हाँ अरे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा भी रखो रुक जाओ, आप लोग इसमें देख रहे हो, भेज दूँ, चलो भेज देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि खोल लो पीडीएफ तो चलो इसमें चलो मतलब चलो मैं भेज रहा हूँ, बस 1 सेकेंड आ जाएगी बेटा ये। मैं पीडीएफ इसमें थोड़ा, ये नया वाला ग्रुप बनाया मैंने, पीड वाला ग्रुप, इसमें आप लोग को पीडीएफ भेजूंगा मैं, तो क्लास 9th एंड 10th पीड ग्रुप में जो है इसमें पीडीएफ लीजिए आप लोग, इकट्ठा ही भेज देता हूँ, इसमें तो सब लोग जुड़े हुए हो। चलिए ठीक है, 1.3 ओपन कर लेना, अभी मिल जाएगी आपको। चलिए तो 1/11 हो गया। अगला क्या है बच्चों, 4 रेज टू 1/8, है ना। अगला क्वेश्चन है 4 रेज टू 1/8, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सब सिंपल फ्रैक्शन में बदलोगे, 4 8 जा कितना हुआ, 32 + 1, 33/8। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बदल लो, हाँ एक्सपेंड करने के लिए बदलना पड़ेगा, वो तो बदलना पड़ेगा, बट वैसे अगर पता लगाना हो कि सर टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 8 ही रहेगा। अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 33/8, मतलब 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ठीक है ना। सर ओके ऊपर 3 5 का मल्टीप्लाई और बिल्कुल नीचे 3 5 का। एग्जैक्टली बेटा, ऊपर 3 5 और नीचे भी 3 5। अब हमने बना दी जोड़ी, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब 10 10 10 के 3 जोड़े, मतलब 1000। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 33 मल्टीप्लाइड बाई 125, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 33 को 125 से मल्टीप्लाई करो बच्चों कैलकुलेटर में,
कितना आया बताओ मुझे। सर 4125। 4125। चलो तो ये आ गया बच्चों 4125 डिवाइडेड बाई 1000। 3 0 1 2 3 1 2 3 आंसर 4.125। लेट्स चेक 4.125। लो भाई बिल्कुल सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे 4.125। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 13 है भाई, प्राइम नंबर है, फैक्टर नहीं होगा, मतलब कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। 11 प्राइम नंबर नहीं है, रिपीटिंग होगा। 6 वाला प्राइम नंबर नहीं है, ये भी क्या होगा, रिपीटिंग होगा। समझ गए बच्चों? यस सर। चलो जल्दी से करो सब लोग, सारे कर लो जल्दी से, एक बार देख लो, पीडीएफ मैंने भेज दी है, सभी लोग देख लें। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जो ग्रुप में ना जुड़ा हो? सब लोग जुड़े हैं ना पैड वाले ग्रुप में? प्रकृति बेटा आवाज आ रही तुम्हें? हेलो प्रकृति। यस सर। कल मैथ्स की क्लास में क्यों नहीं आई बेटा शाम को? यस बेटा। So, I have not seen the message. बेटा मैंने दो कॉल भी करवाए आपको, फिर भी आप नहीं आए। दो कॉल, आपका कॉल नहीं लगा। I'm really sorry, sir. मैं आज से क्लास अटेंड करूंगी। हाँ, I'm really sorry. अगर मेरी कभी भी क्लास छूट जाए ना तो थोड़ा पता कर लिया करो, मैं क्लास कभी आप लोग की मिस नहीं करता। Yes, है ना? sir. और मैंने उसका वीडियो हालांकि डाल दिया था, तो उसको जो पढ़ाया है उसके वीडियो से पूरे कर लेना है। ओके सर। आज की क्लास होगी उसके पहले कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके सो लेट्स चेक गाइस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 ही है, 7 नहीं है। ओके, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो एक बार देख लीजिए, मुझे बता दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? यू नो 1/7 इक्वल टू इतना। ओके तो बच्चों देखो 1/7 जो है 142857 आ रहा है, और इसके बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक बार लगना चाहिए बच्चों। तो शायद आपके बुक में बार लगा होगा, क्योंकि क्यों नहीं, क्यों लगेगा बार? बिकॉज यार बच्चों साफ दिख रहा है। चलिए ठीक है, फैशन वाला बार लगा हुआ, अच्छी बात है भाई। तो इसको बच्चों थोड़ा बड़ा सा मैंने बना दिया। अब मेरे को इसलिए पता चल गया क्योंकि 7 प्राइम है भाई, 7 के फैक्टर तो 2 और 5 में होंगे नहीं, मतलब बार लगना बिल्कुल तय था। ये बात तो मुझे पता चल गई कि सर इसमें बार तो लगना है, गारंटीड बार लगना था।
12 पन्ने लगा भी दिया इसके ऊपर, अच्छी बात है। अब कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 बोला नहीं, बहुत होशियार है, क्योंकि 7/7 हो जाता 1 और 1 को लिखते सर 1/1, तो 1 का डेसिमल एक्सपेंशन सीधे 1 ही होता, 1.00 लगा दो, मेरे जेब में 1 रुपये है, मतलब 1.00। खैर 7/7 तो बोला ही नहीं है क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाता। तो ये कह रहे हैं कि 2/7, 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो बच्चों आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करनी है, ये जो बाद में आ रहा ना भाई, व्हाट इज़ 2/7, 2/7 इक्वल टू 2 × 1/7, मतलब 2 × 0.14142857। चलिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई, 2 × 7 = 14, फिर 14 का कैरी आया 1, 2 × 8 = 16, 16 + 1 = 17, फिर 17 का कैरी आ गया 1, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, देन 2 × 4 = 8 एंड 2 × 1 = 2 एंड 2 × 0 = 0, तो 0.28574 का बार, क्योंकि भैया जब ये रिपीट होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे वो भी रिपीट होगा, तो पहले वाले को तो डिवाइड करके दिखा दिया, तो दूसरे वाले के लिए 2/7 चाहिए था, ये देखो बच्चों इसके ऊपर भी ये फैशन वाला बार लगाया हुआ, आप बड़ा सा लगा लेना। 3 का मल्टीप्लाई करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 के लिए 4 का कर दो, 5 के लिए बार वाली पार्ट में 5 का कर दो, और 6 के लिए 6 का कर दो, बहुत सिंपल है, बोलो बन जाएगा। इतना सा पार्ट दिया है, इसमें एक बार 2 का कर दो, एक बार 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, आंसर आ गया, ठीक है। Yes, चलो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बच्चों मैं कहूँगा यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसको शो करना है, 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार। भाई ये तो बुक से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बार इतने दूर दूर हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहे ये किसके ऊपर लगे हैं, और छोटे छोटे बार हैं। तो पहला वाला तो चलो मुझे समझ में आ रहा है कि पहला वाला 0.6 बार है। अब मैं इसको करने का आपको मेथड बता रहा हूँ, एक बताऊँगा शॉर्ट मेथड और एक बताऊँगा लॉन्ग मेथड। ऑब्जेक्टिव में करने के लिए आप शॉर्ट मेथड का यूज़ करोगे, और सब्जेक्टिव में करने के लिए लॉन्ग मेथड का यूज़ करोगे। तो आओ खेलते हैं हम लोग 0.6 बार के साथ। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 0.6 का बार। तो सबसे पहले जो आपको नंबर दिया है बेटा उसको x मान लो, सो x इक्वल टू 0.6 का बार है, उसको थोड़ा सा खोल लो, थोड़ा सा उसको ओपन कर दो, तो 0.6666 ऐसे ऐसे हल्का सा खोल करके इसको रख दिया। अब ये देखो बच्चों कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर, तो एक नंबर मतलब एक जीरो वाला डिजिट क्या होता है 10। अगर दो नंबर रिपीट होते तो 2 जीरो वाला डिजिट क्या होता 100। तीन नंबर रिपीट होते तो 3 नंबर वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती 1000, ठीक ना, 3 नंबर वाली छोटी नहीं मतलब 0 डिजिट कंटेन करने वाला 1 के साथ, ओके, वैसे तो 3 नंबर वाली सबसे छोटी संख्या 100 होती है, ओके। तो जितने नंबर डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने डिजिट 0 कंटेन करने वाला नंबर विद 1, ठीक है ना, 10। तो इस 10 का करोगे क्या, इस 10 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का x में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x। और ये तो पता होगा कि अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल कूद करके आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा 6.6666। बोलो बच्चों क्लियर यहाँ कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये लो इक्वेशन नंबर 2। आपने किसको x माना था, 0.6 बार को, तो आपको x की ही वैल्यू चाहिए है। चलो अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड क्या है 10x, फर्स्ट क्या है x, सेकेंड क्या है 6.66666 अप टू यहाँ पे इक्वल 0.66666। चलो सब्ट्रैक्ट करें,
यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सिक्स से सिक्स कैंसिल 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 कैंसिल, केवल छः में से जीरो बचा तो छः आया, और इधर कितना आया 9x, तो x इक्वल टू 6/9, 6/9 को काट दो 3 से, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये बन चुका है हमारा 2/3। तो कोई बोले कि 0.666666 क्या होगा, रेशनल नंबर, क्योंकि ये रिपीटिंग है, 0.6 बार मतलब 0.666666666 क्या है, ये जम गया, जमने वाले भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर, बिकॉज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और मेहनत करने के बाद हमारे पास पी बाई क्यू आया है 2/3, सो इट इज 2/3। आ गया बच्चों समझ में? हाँ सर। चलिए ठीक है प्रगति प्रियांशी और yes, लक्ष्मी, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो बेटा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है 0.6 बार में देखो डेसिमल के बाद वाले डिजिट को खोल करके लिख दो, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने 9 लगा दो, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। तो एक डेसिमल का डिजिट था वैसे का वैसे रख दिया, और जितने नंबर थे उतने बार लगा दो, 9 लगा दो, तो एक के ऊपर बार था, एक के ऊपर 9, काटा कूटी करो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2/3। ओके, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है अगला क्वेश्चन। समझ में नहीं आए, शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आई, फिर से देखो। चलो देखो बेटा 0.6 बार है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर। इसको बिना कुछ करे पूरा का पूरा खोल दो तो 0.6 आएगा। हाँ सर। जीरो रख दोगे 0.6 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। हाँ सर। कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक या दो? एक। बस, तो जितने डिजिट हैं उतने काउंट करके 9 रख दो, तो 0.6 का मतलब 6 ही होता है, और ये 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर 2/3। ठीक है। हाँ तो सर, हर नंबर के लिए अलग होगा ना, इसके लिए 9 है तो किसी और नंबर के लिए कुछ और होगा। क्यों, 9 सब में सेम रहेगा। अब जैसे मैंने कहा आपसे, लीजिए 0.23 बार, चलो देखो 0.23 बार खोल करके रख दो, 0.23 ऊपर, बोलो। हाँ सर। कितने नंबर के ऊपर बार है, एक डिजिट या दो डिजिट? दो। तो बस 2 बार 9 लिख दो, तो आंसर कितना आ गया 23/99। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है ना, अभी मैंने आपको वो करवाया था 10/3, याद आया ना, तो कितना आपका आंसर हाँ, आया था 3.9 आया था कि नहीं आया था, ऐसे ही आया था ना, कुछ 3.11 कुछ करके आया था, 3.09 आया था जहाँ नहीं नहीं 3.333 आया था, यस मुझे याद आ गया 3.333333, यही आया था, बोलो। हाँ सर आया था। चलो देखो yes. तो आपको यदि दिया गया है 3.3 का बार, 3.3 का बार, बार समझ गए। अब देखो इसमें रूल बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल क्यों बदलेगा, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास जो है ये डेसिमल के बाद, अब पहले खोल लो इसको, तो खोल दिया आपने तो इसको कितना बन गया 33 बन गया, बोलो। हाँ सर। अब ये देखो कि डेसिमल के बाहर कौन सा डिजिट है, 3 है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई कितने नंबर के साथ, वो है एक, तो 1 9, तो 33 में से 3 गए, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक कर रहा हूँ, सही है, तो ऊपर हो गया 30 और नीचे कितना हो गया 9, क्लियर। 3 से काटो 3 10 जा एंड 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो दो चार रूल्स हैं, वो दो चार रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला करते हैं 0.47 बार, देखो ध्यान से। अब पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा देता हूँ, 0.47 बार, बोलो क्लियर क्लियर, यही है ना क्वेश्चन, जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर सेवन बार, यही तो क्वेश्चन है, हाँ है ना। हाँ सर। चलो देखो क्या बताया मैंने, मैंने कहा 47, बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ, बार के अलावा किस नंबर, कौन सा नंबर बाहर है, 4 है। हाँ सर। उसको माइनस करो, बोलो। सर, बार सिर्फ 7 पे लगा हुआ है। हाँ क्वेश्चन देख लो बुक में, बार सिर्फ 7 पे लगा है, क्वेश्चन देख लो बुक में,
ठीक है? यस सर। हाँ, अब ध्यान से देखना कैसे ब्रेक करोगे। ये बताओ बेटा कितने डिजिट हैं? सर एक, दो। दो डिजिट तो अच्छा हैं, बट नीचे बार किसके ऊपर है? एक के ऊपर है ना, के ऊपर। तो यस सर। एक के ऊपर है तो एक आएगा 9। बोलो हाँ। हाँ सर। अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट में बार नहीं लगा है, उसके लिए हम लोग को बाद में जीरो भी लगाना पड़ता है, समझ गए? अच्छा तो दो तीन रूल हैं याद करने पड़ेंगे। तो कितना आ गया आंसर बेटा? 43/90। चलो चेक करते हैं सही है कि गलत है। मुझे रूल मैंने बहुत साल से नहीं करा है ना? बिल्कुल सही, चेक कर लो, 43/90 आ गया। जी। अब इसको पूरी मेथड से करता हूँ मैं बच्चों। तो 0.47 बार। तो लीजिए, लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, लेट एक्स इक्वल टू 0.47 बार, मतलब दैट इज एक्स इक्वल टू 0.47777777 अप टू डबल चलते जाओ। अब ये देखो बच्चों कितने नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा ना, डबल। तो एक डिजिट वाला डेसिमल नंबर क्या होता है? 10। एक जीरो वाला होता है कि नहीं होता? हाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 10x। अब 10 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो बताओ ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, पीछे आ जाएगा कि आगे आ जाएगा? सर पीछे चला जाएगा। मतलब नहीं सर, पीछे, फोर मतलब पॉइंट सेवन जाएगा। हाँ हाँ। तो ये बन जाएगा बच्चों, ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 4 पॉइंट, ये डेसिमल आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा हाँ 4.777777। बोलो हाँ। हाँ सर। चलो अब एक काम करो, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस, तो 10x है 4.777777, और x की वैल्यू क्या है भैया? 0.77777। 0.4777 ओ सही बताया, थैंक यू। 0.47777 माइनस, चलो माइनस कर दो। 10x में से x गया कितना हुआ? 9x। 4 में से 0 गए, अच्छे माइनस पीछे से किया जाता है, काटो काटो काटो, रुको है ना, यहाँ पे कितना आएगा? पॉइंट लगाइए सर्च, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ पर कितना आया? 4, 3। बोलो क्लियर। यस सर। सो कितना आ गया भाई? 9x इक्वल टू 4.3। एक्स इक्वल टू 4.3 अपॉन कितना? 9। नाइन और डेसिमल ब्रेक करने के में क्या आता है? 0। नाइन तो आंसर 43/90। समझ में आया? हाँ सर आ गया सर। ये वाली ज़्यादा इजी है, लंबी वाली मेथड। हाँ तो ठीक है ना, ये तो बेस्ट मेथड है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। एक्चुअली क्या है, उस मेथड में आपको 3 रूल याद रखने हैं, इसलिए मेरे को भी भूल जाता है। मैं सच कहूँ तो मैं यदि बहुत दिन ना उसको लगाऊँ तो खुद मेरे को भी वो रूल भूल जाते हैं, फिर मैं यही मेथड लगाता हूँ, ठीक है ना? वो तो रटना हुआ, और रटने का तो कोई भरोसा नहीं है ना? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो भैया ये कर लेना अभी आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा अगला क्वेश्चन? एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अरे ये तो वही है भाई, और 0.9999 इसको तो मैं चुटकी बजा के कर दूंगा भाई, बिकॉज ये 0.9 का बार है, मतलब ऊपर आएगा 9 और नीचे क्या आएगा भाई, यहाँ पे एक डिजिट है। 0.9999 कर रहा है ना, हेंस दे आर इक्वल, और नीचे भी आएगा 9, ओरे क्योंकि एक ही डिजिट है, ये तो 1 के इक्वल आ रहा है भाई, ये तो 1 के इक्वल आ रहा है, हाँ, और यहाँ भी आ रहा है ये 1 के इक्वल, बिल्कुल सही। तो देखा आपने, 0.9 का जो बार है वो 1 के इक्वल आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 1 के इक्वल। अब इसको ओरिजिनल मेथड से आप लोग कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ? सर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक डेसिमल डिजिट 1/17। भाई प्योर मेहनत का काम है, एक में 17, 17 से डिवाइड करना है एक को, तो पहले ही डेसिमल आ जाएगा, 2 जीरो रखने पड़ेंगे आपको। फिर 17 से कितने बार जाएगा? 17, 5 जाए 85, 5 टाइम्स 85। फिर क्या बचा भाई यहाँ? 15 बच गया, फिर जीरो उतारा, 17, 7 बार 119, 8 बार 136, हाँ 18 बार,
136। ऐसे करते 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 देखो भाई, ऐसे करते करते इतना लंबा डिवीज़न जाएगा बच्चों, और ये डिवीज़न जाने के बाद लास्ट में बचेगा वन, और जैसे वन आया मतलब फिर से रिपीटेशन शुरू, क्योंकि यहाँ पे भी वन था। ये देखिए इतना ज़्यादा डिवीज़न किया कि ब्लर हो गया है ना, वन आ गया तो फिर से रिपीटेशन शुरू। तो देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लियो भैया 15 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ओके सो हाउ मेनी डिजिट ऑफ रिपीटेशन, कितने डिजिट हैं बेटा, 15 डिजिट, ठीक है ना। तो ये बच्चों प्योर हार्डवर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बैठ करके आराम से खाना पीना खा करके इसको आराम से करो, ठीक है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नो सिंपल है डिवीजन, ठीक ना। घर में छोटे भाई बहनों तो पकड़ा देना, आराम से करते रहेंगे, सुबह दे के चले नीचे जाना शाम जीरो को। लगाते जाओ। हाँ बस जीरो लगाते जाओ और करते जाओ डिवीजन, ठीक है ना। और जहाँ पर रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ रोक देना। तो ये देखो यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला अपना जो आया था वो वन आया था, और यहाँ पे भी वन आ गया, मतलब इसके बाद फिर वही कहानी। अगर आप यहाँ फिर जीरो लगाओगे तो फिर से 17 5 जाए 85, तो फिर वो पूरा का हाँ पूरा सर। रिपीट होगा। इसलिए जहाँ पर रिपीटेशन रुक जाए, मतलब एक बार हो जाए, वहाँ पे रोक देना। तो पूछ रहा है बताओ कितने मैक्सिमम डिजिट हैं कोशियंट में, तो आंसर 15 रिपीटेशन के लिए है। यस सर। कहना कितने ब्लॉक जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर 15 ब्लॉक। चलो बहुत बढ़िया। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू एंड। अरे हाँ भाई, अभी मैंने बच्चों को पढ़ाई है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए जो डिनोमिनेटर होगा या तो वो केवल 2 का फैक्टर, या तो केवल या वो फाइव केवल का 5 का फैक्टर, और या 2 और 5 दोनों, फाइव 5 एंड 2 बोथ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स, कह रहा कुछ एग्जाम्पल को देखो, आई थिंक एग्जाम्पल बुक में दिए होंगे, और इन एग्जाम्पल्स को देख करके बताओ कि इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है। तो हमको सब में जितने भी टर्मिनेटिंग आए हैं उनमें सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखी है। जैसे ये टर्मिनेटिंग आया देख लो, ये आया, ये आया, ये आया, सब में देखो, सब के डिनोमिनेटर में ले दे करके क्या बन रहा था, 100। और 100 तभी बनेगा जब डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 प्रेजेंट हो, या तो केवल 5 प्रेजेंट हो, या 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो। बोलो बच्चों क्लियर कि नॉट क्लियर। क्लियर सर। प्रकृति यस सर। बेटा पढ़ो। वी हैव सीन दैट वी हैव सीन दैट दोज रेशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ सुटेबल इंटीजर प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 10 आर एक्सप्रेसिबल इन द फाइनाइट डेसिमल फॉर्म, बट दिस कैन बी ऑलवेज डन ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर हैज आइदर 2 और 5 और बोथ ऑफ देम एज द ओनली प्राइम फैक्टर्स। वी ऑब्टेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म has no prime ओके ठीक है। सो इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, देन ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब सीधी सीधी बात है कि बच्चों जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के भी, वो 2 या 5 होंगे, अकेला 2 होगा, अकेला 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे। चलिए अगला कह रहा, राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। कह रहा है कि ऐसे नंबर बताओ, 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर लिखो जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। अरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग कौन होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो चलो अपने मन से ऐसे कुछ इरेशनल्स बनाएं, जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा 2.01, फिर क्या 0.01, देखो मैं जीरो बढ़ाते जा रहा हूँ, फिर 0.001, फिर 0.0001, 0.00001, देखो बढ़ाते जा रहा हूँ मैं। तो ना तो ये जम रहे हैं, ना तो ये ना ही जम रहे थम हैं, ना ही ये थम रहे हैं, इसलिए ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल। कैसा नंबर होगा, इरेशनल। तो बस ऐसे ही आपको
अपने मन से कोई भी नंबर लिखना था, एक तो ये लिख दिया, एक टू में लिख दिया, एक थ्री में लिख दिया, तो बच्चों कह रहा है कि ऐसे तीन नंबर लिखो जो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना तो रिक्यूरिंग हो, मतलब कुल मिला के आपको इरेशनल नंबर बताने हैं, तो अपने मन से अपन ने इरेशनल लिख दिए, प्रियांशी बन जाएगा रिपीटिंग होता है ना, क्या बेटा? रिक्योरिंग मतलब रिपीटिंग होता हाँ है। हाँ रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिंग, बिल्कुल सही, ठीक है, यस सर, प्रियांशी बन जाएगा। यस सर। चलिए अब कह रहा राइट थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9.9/11। तो पहले मैंने 5/7 को डेसिमल में लिख लिया, तो 5/7 मैंने किया जब डिवाइड करके, तो मेरे को पता चला ये है 0.714, और मैंने जब 9/11 किया तो मेरे को पता चला ये है 0.81। ओके बस मेरे को इतना काफ़ी है, तो 5/7 मेरे को कितना मिला, मेरे को 5/7 मिला 0.714, 0.714, और 9/11 कितना मिला बेटा अपन को, 0.81 कुछ मिला है बस। हैं आगे है, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, उसके बाद वो रिक्यूरिंग हो जाएगा। कह रहा मुझे इसके बीच के इरेशनल लिखने हैं, तो यार 0.7, अब देखो 71 है उसके बाद 81 है, मतलब बीच में बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है, तो 0.72, अब अपने मन से 7-2-2, 7-2-2-2-2 तीन बार, 7-2-2-2-2 चार बार, ऐसे लिख सकते हो, या आपको 73 भी आएगा, तो 0.73, फिर 7-3-3, 7 3 बार 3, 7 4 बार 3, ऐसे ऐसे करके ऐसे कोई नंबर बना दो अपने मन से जो ना तो रिपीट हो और ना तो टर्मिनेट हो, मतलब ना ही जमे और ना ही थमे, ऐसे नंबर बना दो तो इरेशनल हो जाएंगे। तो ये लो भैया इनके। सर, हाँ बेटा बोलो। सर जैसे उसमें तो 0.71 और 0.81 था, अगर 7-1 की कोई आसपास वाली यूनिट होती जैसे 7-3 या फिर 7-2 तो चलो क्या करते? आप बोलो मेरे को कौन सा नंबर, कोई भी दो नंबर बोल दो, जैसे 0.71 और उसके बीच में कौन, और कौन दूसरा? 0.73 अरे तो बहुत बड़ा स्पेस दे दिया आपने मेरे को। चलो 0.71 है और इसके बाद 0.72 आएगा ना बीच में, बोलो यस और नो। आंसर तो जीरो आएगा। पॉइंट सेवन टू से स्टार्ट कर दो, 0.72 है ना, 0.72, 72 है, फिर उसके बाद 7-2-2, फिर 7-2-2-2, 7-2-2-2-2, ठीक है, यस सर। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि बच्चों दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, अपने मन से बना लो। अपने पास तो 81 तक था, तो इसने तो 80 तक ले लिया, देखो है ना मज़ेदार। चलिए अगला नंबर कहला क्लासीफाई द इरेशनल। भाई प्राइम नंबर का रूट है इरेशनल, 225 का रूट बचपन से याद करते आ रहे हैं, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15, तो 15 मतलब 15/1, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, ये क्या होगा, इरेशनल, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, रेशनल, ये क्या है, 7.478478, नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या है, इरेशनल। एक मिनट, डॉट डॉट लगा है कि नहीं लगा? तो लगा है ना, और हाँ वो रिपीट भी हो ओके रहा है। ओके ओके, नहीं, रिपीट नहीं हो रहा बेटा, रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटिंग होता तो बेटा रेशनल हो जाता, कहाँ रिपीट हो रहा, अरे हो रहा है, हो नहीं। रहा है, हो रहा है, हो रहा है भाई, सही कह आप रही हो बहुत तुम। कंफ्यूज कर रहे अरे हो। नहीं तो नहीं, देखो ना हो रहा है, 3 डिजिट से रिपीट कर रहा है, सेवन पॉइंट हाँ फोर वही। सेवन एट 4 7 8, तो जो आए बार बार उसके ऊपर लगाओ बार, तो 7.478 का बार, तो ये क्या है, ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग है उसमें मतलब ऊपर लगा रेशनल नहीं है है। बार सर, हाँ उसमें नहीं लगा, बट हम लगा सकते हैं ना बेटा, रिपीट हो रहा ना, वही ना। वो ने उसने लगा के नहीं दिया, बट रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, तो हमने बार लगा दिया, तो ये रेशनल है। कैसा है ये, रेशनल है रेशनल जम गया ना बेटा, देखो 4 7 8 4 7 8 जम गया, तो जो जम गया वो वही। रेशनल, जो थम गया वो भी रेशनल, तो ये रेशनल है। चलो अगला वाला बताओ ऋषिका, रेशनल है कि रेशनल? रेशनल है सर, हाँ फिर से बोलो। इरेशनल है। बिल्कुल सही, इरेशनल, क्योंकि ना जम रहा है ना थम रहा है, यस देख लो, तो पिछला वाला रेशनल था और ये वाला क्या है,
इटरेशनल। चलिए तो ये यहाँ तक समाप्त करते हैं, अगला आपका ये होमवर्क है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। सर हाँ। बाय सर। बाय सर। आप फिजिक्स कब से पढ़ाएंगे? बस मैथ्स खत्म होने वाली है बेटा, इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर।